तो गाइस अगर आप भी एक आईफोन यूजर हो तो गाइस आप लोग को एक कॉमन बातें सुनने में जरूर मिलती होगी कि आईफोन का बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा खराब है, और ये बातें कौन बोलता है, खास करके वो एंड्रॉइड यूजर्स। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप भी अपने आईफोन का जो बैटरी बैकअप है उसको बढ़ा सकते हो। तो बिना किसी देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहला टिप्स है कि आप लोग को अपने आईफोन को जब भी यूज करना है उसे डार्क मोड को ऑन करके यूज करना है। कहां से ऑन करना है आप सभी लोग को, सिंपली आप सभी लोग को अपने कंट्रोल बार को स्लाइड डाउन करना है और आप लोग को ब्राइटनेस पे प्रेस एंड होल्ड करना है। जैसे ही होल्ड करोगे आप लोग को तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहीं आप सभी लोग को डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग को वहाँ ऑफ है डार्क मोड तो उसे ऑन कर देना है। अगर आप लोग का डार्क मोड वहाँ नहीं मिलता है तो गाइस आप लोग को जाना है सेटिंग में, देन आप सभी लोग को जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, वहाँ आप सभी लोग को देखने को मिल जाएगा डार्क मोड, तो यहाँ से भी आप लोग ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट टिप है गाइस कि अगर आप लोग का मोबाइल डाटा ऑन रहता है, आप लोग का जो आईफोन का जो एप्स है, बहुत सारे ऐसे एप्स है जो बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं और अपने आप ही रिफ्रेश होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका जो आईफोन का जो बैटरी है वो गाइस कंज्यूम होता है। तो गाइस इसको ऑफ करने के लिए आप लोग को अगेन जाना है सेटिंग में, देन आप लोग को क्लिक करना है जनरल पे, और गाइस स्लाइड डाउन करोगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश, तो उस पे गाइस आप लोग को क्लिक करना है। वहां गाइस आप लोग को सारे ऐप देखने को मिलेंगे जो कि गाइस बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक रन करते हैं, रिफ्रेश ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो गाइस उन सभी ऐप को आप लोग को ऑफ कर देना है जो जरूरत की ऐप है, जैसे कि गाइस व्हाट्सएप हो गया या आपका हो गया फोन पे, ये सबको आप लोग ऑन करके रख सकते हो। और गाइस बाकी जो भी एप्स जो कि फालतू में बैकग्राउंड में रन करती है उनको गाइस आप लोग को ऑफ कर देना है सिंपली। और नेक्स्ट टिप है गाइस कि जब आप लोग अपने आईफोन को यूज नहीं करते हो और अपने आईफोन को पॉकेट वगैरह में रख लेते हो, और गाइस आप लोग रखने से पहले अपने आईफोन का मोबाइल डाटा ही ऑफ कर देते हो, हॉटस्पॉट भी ऑन कर देते हो और वाईफाई को भी ऑफ कर देते हो, लेकिन गाइस एक्चुअल में ये ऑफ नहीं होता है। कहां से ऑफ होता है गाइस आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग को जाना है सेटिंग में, और गाइस यहां से गाइस आप लोग का जो मोबाइल डाटा हो इसको ऑफ करना है, वाईफाई को भी गाइस आप लोग को यहीं से ऑफ कर देना है, और जो हॉटस्पॉट है उसको भी गाइस आप लोग को यहां से ऑफ करना है, ना कि गाइस आप लोग को अपने कंट्रोल बार में जाके सभी को ऑफ करना है। वहां से ऑफ करोगे तो वो एक्चुअल में ऑफ नहीं होता है, वो कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, या वाईफाई आईफोन के आसपास दिखेगा तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, जो कि गाइस अगर आप लोग अपने आईफोन को नहीं यूज करते हो तो वो बैकग्राउंड में जो ये सारे ऑन रहते हैं तो ये आपके बैटरी को कंज्यूम करते हैं। तो गाइस इस सभी को आप लोग को ऑफ करके रखना है अगर आप लोग अपने आईफोन को नहीं यूज करते हो तो। और नेक्स्ट टिप्स आपके आईफोन को चार्जिंग के रिलेटेड है कि आप लोग अपने आईफोन को कैसे चार्ज करते हो। तो गाइस सबसे पहली बात कि आप लोग को अपने आईफोन को चार्ज करने के लिए जो आईफोन का जो ओरिजिनल केबल और आईफोन का जो ओरिजिनल एडेप्टर है उससे ही आप लोग चार्ज करो। इससे चार्ज करने पे आप लोग को क्या फायदा मिलता है कि आप लोग का जो आईफोन है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है इन दोनों चीजों से। अगर गाइस आप लोग अदर ब्रांड का आप लोग से अपने आईफोन को चार्ज करोगे तो वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से आपके आईफोन का जो बैटरी है उस पे गाइस इफेक्ट करता है। तो गाइस कोशिश यही करो कि आप लोग अपने आईफोन को जब भी चार्ज करो ओरिजिनल आईफोन के केबल और ओरिजिनल आईफोन के चार्जर से ही चार्ज करो। और नेक्स्ट टिप है कि गाइस आप लोग को हमेशा 30 और 80 के रूल को फॉलो करना है अपने आईफोन को चार्ज करते टाइम, मतलब आप लोग को 80% से ज्यादा आईफोन को चार्ज नहीं करना है और 30% से नीचे नहीं आने देना है। क्योंकि अगर आप लोग का आईफोन बार बार 80% मतलब 100% चार्ज करोगे और 30% नीचे हो जाएगा तो आपके आईफोन का जो बैटरी साइकिल काउंट है वो गाइस बढ़ेगा, और गाइस वो ज्यादा होने के कारण आपके आईफोन का जो बैटरी कैपेसिटी है वो गाइस धीरे धीरे रिड्यूस होते जाएगा। तो गाइस आप लोग कोशिश करना है कि आप लोग को 30 और 80% के बीच में ही अपने आईफोन को बैटरी हेल्थ या बैटरी परसेंटेज को रखना है। और नेक्स्ट टिप है कि आप लोग को हमेशा अपने आईफोन के बैटरी ऑप्टिमाइज वाली ऑप्शन को ऑन करके रखना है। इसको कहां से ऑन करना है, आप लोग को सेटिंग में जाना है, बैटरी में क्लिक करना है, और गाइस यही आप से लोग को बैटरी हेल्थ जैसे ही चेक करोगे आप लोग को नीचे देखने को मिलेगा ऑप्टिमाइज बैटरी हेल्थ का ऑप्शन। तो गाइस अगर आप लोग का ये ऑफ होगा तो गाइस इसे आप लोग को ऑन कर देना है। इससे फायदा ये होता है कि अगर आप लोग रात में चार्ज में लगा के अपने आईफोन को सो जाते हो तब गाइस आपका जब उठने का टाइम होगा तभी ये आपका आईफोन को फुल चार्ज करेगा, उससे पहले ये अपने आपके आईफोन को फुल चार्ज नहीं करेगा, 80% पे ही वो रोके रहेगा। तो गाइस ये सारे स्टेप्स हैं जो कि अगर आप लोग फॉलो करते हो अपने आईफोन को चार्ज करते टाइम, या गाइस इस सभी सेटिंग्स को अगर आप लोगों को अपने आईफोन के साथ करके रखते हो तो आपका आईफोन का जो बैटरी है
वो 100% सेफ एंड सिक्योर और आपका जल्दी बैटरी हेल्थ ड्रॉप नहीं होगा और आपका आईफोन का जो बैटरी बैकअप है वो भी गाइस आप लोग को ज्यादा देखने को मिलेगा। तो गाइस अगर आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने यार दोस्त फैमिली मेंबर को जरूर शेयर करना जिनके पास भी आईफोन है। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।